Hey guys, this is Kuldeep and you're watching UPSC Library. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मालदीव्स की, बिकॉज कोविड टाइम पीरियड की वजह से काफ़ी लंबे समय से इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुकी हुई हैं और इस इंटरनेशनल फ्लाइट्स की मूवमेंट की वजह से जो काफ़ी कंट्री जो टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड करती थी तो उनकी इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया है। सो इसी वजह से काफ़ी कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया इस चीज़ को देख रहा है और एक एयर बबल की टेक्निक को फॉलो कर रहा है। सो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इंडिया मिलकर एक एयर बबल बना रहा है जिससे बाकी जो इंडिया के पीपल है और जो बाकी अदर कंट्रीज़ के पीपल जा सकेंगे। सो इनमें से एक है कि इंडिया ने मालदीव के साथ एयर बबल की डील को साइन किया है। सो इस एयर बबल में इंडिया ने मालदीव के साथ एयर बबल की डील को साइन किया और इसमें इंडिया के पीपल मालदीव्स में जा सकेंगे और वहाँ के मालदीव्स के पीपल इंडिया में आ सकेंगे। सो इससे मालदीव्स की इकनॉमी को बूस्ट मिल रहा है बिकॉज उसकी मोस्टली इकनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंड है। सो ये इंडिया का ये इंडियन ओशन का मैप है। सो दिस इज़ इंडिया। सो इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में ये मालदीव्स आइलैंड है। सो इस मालदीव्स आइलैंड से ही इंडिया और मालदीव्स के बीच में एयर बबल बनाया जाएगा। सो इस एयर बबल के बीच में इंडिया के पीपल मालदीव्स में आएंगे और मालदीव्स के पीपल इंडिया में आएंगे। सो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग इंडिया एंड मालदीव्स है एग्री टू क्रिएट एन एयर ट्रेवल बबल, जिसको हम एयर ट्रेवल बबल लेंगे। सो इट्स फैसिलिट मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द टू कंट्रीज। सो इससे दो कंट्रीज के बीच में जो पीपल वो आ जा सकेंगे। सो इट्स मूव से इट मेकिंग ए सिक्स कंट्री इन द ग्रोइंग लिस्ट ऑफ अ प्लेस वेयर इंडियंस कैन ट्रेवल। सो इससे ऐसी छः कंट्रीज हो जाती हैं इंडिया के साथ जिनके साथ हमारा एयर ट्रेवल बबल बना हुआ है। सो दिस इज़ एक्सपेक्ट टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल्स, इस वजह से पीपल के मूवमेंट में हेल्प मिलेंगे। सो फ्रॉम बोथ साइड, बिकॉज दोनों तरफ को इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जो एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं दोनों कंट्रीज में, वहाँ अगर इसको टूरिज्म में बूस्ट मिलेगा, जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं या जो मेडिकल टूरिज्म है, सो जो मेडिकल टूरिज्म है उसमें भी इससे हेल्प मिलेगी। सो ड्यूरिंग द वर्चुअल मीटिंग मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर थैंक द इंडियन गवर्नमेंट। सो मालदीव के फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन गवर्नमेंट को थैंक करते हैं और बोलते हैं कि मालदीव्स, सो इंक्लूडिंग द मालदीव्स अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्री विद विच इंडिया है इस्टेब्लिश एयर बबल। सो मालदीव्स के अलावा वो ऐसी कंट्री है जो इसको इंडिया ने इसके साथ एयर बबल इस्टेब्लिश किया एंड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईजिंग ट्रेवल। सो इससे ट्रेवल को ईजिंग करने में काफ़ी सारे इसको फोकस किया, उस पर एम्फेसिस किया। देन स्पेशली फॉर मालदीव सीकिंग टू विजिट इंडिया, स्पेशली जो मालदीवियन पीपल हैं जो इस इंडिया को विजिट करना चाहते हैं फॉर अर्जेंटली रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज मालदीव के काफ़ी सारे पीपल इंडिया में अपना मेडिकल के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल टूरिज्म जिसको बोलते हैं उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी लोग मालदीव से काफ़ी लोग इंडिया में आते हैं। सो इससे हमारी इंडिया को भी मेडिकल टूरिज्म भी थोड़ा इससे बूस्ट मिलेगा। सो एज वेल एज इंडियन टूरिस्ट विशिंग टू विजिट द मालदीव्स। सो मालदीव्स के पीपल इंडिया में आएंगे और इंडिया के पीपल मालदीव्स में जाएंगे। सो एयर बबल होता क्या? सो एन एयर बबल बिटवीन कंट्रीज अलाउ सिटीजन टू ट्रेवल फ्रीली बिटवीन स्पेसिफाइड नेशन विदाउट हैविंग द एंड अंडरगो एन एयर क्वारंटीन। बिकॉज जब एयर बबल किसी दो कंट्रीज़ के बीच में होता है, सो इन दो कंट्रीज़ के लोग, जो दो कंट्रीज़ के सिटीजन, वो स्पेशली उन दो नेशन के वो जा सकें विदाउट हैविंग नीड ऑफ अंडरगो एन ऑन ऑन अराइवल क्वारंटीन, बिना किसी क्वारंटीन फैसिलिटीज के उनको क्वारंटीन किए बिना। सो इंडिया करेंटली हैज अलाउड ट्रेवल टू US, UK, जर्मनी, फ्रांस, कुवैत एंड इन टॉक्स विद कनाडा, जो कनाडा के साथ भी बातचीत चल रही है। सो इन बाकी कंट्रीज के साथ जिसके ट्रेवल अरेंजमेंट किए रखे हैं और उनके साथ एयर बबल की सुविधा की रखी है। सो मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स का पता चलना चाहिए, मालदीव जिसको इसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स है, जो कि एक स्मॉल आइलैंड नेशन है साउथ एशिया में या इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्रीज है। सो इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका एक साउथ वेस्ट में है और इंडिया के भी साउथ वेस्ट में, या लक्षद्वीप आइलैंड जो इंडिया का है उसके साउथ में चले जाएंगे तो मालदीव्स आता है, जैसे मैंने आपको इस मैप में दिखाया था। दिस इज द लक्षद्वीप आइलैंड। सो लक्षद्वीप के बिल्कुल साउथ में मालदीव्स कंट्रीज है।
उसकी कैपिटल मालदीव की कैपिटल जो माले है, उसकी करेंसी मालदीवियन रुफिया है। पॉपुलेशन उसकी 5.16 लाख पीपल हैं जो कि 2018 के अकॉर्डिंग है। सो इट्स और वहाँ पे मोस्टली 100% मालदीवियन पीपल हैं, इतनी ग्रुप हैं, और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज दी वे ही है। जब से ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई तभी से इंटरनेशनल एयर ट्रेवल जो काफ़ी बुरी तरह से हिट हुआ है, और जो कंट्रीज लाइक इंडिया हैव बीन फोकसिंग ऑन क्रिएशन ऑफ एयर बबल। जब से ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई तब से ये एयर ट्रेवल करना काफ़ी मुश्किल हो गया, और काफ़ी सारी कंट्रीज ने काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ एयर ट्रेवल बैन भी कर दिया। इस वजह से इंडिया जैसी कंट्री ऐसे ही एयर बबल्स की टेक्निक पर वो फोकस करें, बिकॉज इट इज़ सेफर ट्रेवल एंड बिफोर नॉर्मल एयर ट्रेवल। जब तक ये वो एयर ट्रेवल रिज्यूम नहीं हो जाता, नॉर्मल नहीं हो जाता, तब तक इस एयर बबल को ही फोकस करना पड़ेगा बाकी कंट्री के साथ। बिकॉज जब एयर बबल हो जाता है सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में ही ये एयर ट्रेवल हो सकता है। इससे पहले वंदे भारत मिशन के अंतर्गत जो समुद्र सेतु फेज जो मिशन चलाया था, उसके अकॉर्डिंग जो INS जलस्व जो इंडियन नेवी का है उसको माले में जो 588 इंडियन सिटीजन तो इंडिया थे वहाँ से इंडिया लाया गया। मालदीव्स में ऑलरेडी हम इंडियन नेवी के द्वारा वहाँ से इंडियन सिटीजन को वो समुद्र सेतु के अंडर हम इंडिया लाए गए हैं। इसी वजह से ही एयर बबल जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ के अलावा इंडिया ने मालदीव्स को $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, और उस $500 मिलियन में से $100 मिलियन मालदीव्स अपना जो प्रोजेक्ट द ग्रेट माले कनेक्टेड उसमें वो खर्च करेगा। इस मूव से मालदीव्स जो कि चाइनाज के लोन्स पर थोड़ा बहुत डिपेंड था वो उसकी डिपेंडेंसी थोड़ी और कम है, बिकॉज दिस विल बी सिंगल और जो मालदीव का जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग दिस विल बी सिंगल लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दी मालदीव्स एंड विल लिंक माले विद विलिंगली देन गुलही फालू एंड द थिलाफोसी आइलैंड। जो इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग माले को विलिंगली गुली फालू एंड थिलाफासू आइलैंड को कनेक्ट करेगी, जो कि इस कंट्री काफ़ी सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इंडिया ऑन थर्सडे प्लेज उन्होंने बोला कि $500 मिलियन जो कि हम दे रहे हैं उसको टू बिल्ड ब्रिजेस एंड कॉज वे इन द मालदीव। एज द न्यू दिल्ली सीक टू काउंटर ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडिया। जो 500 मिलियन जो हम लाइन ऑन क्रेडिट दे रहे हैं उसकी हेल्प से मालदीव अपने प्रोजेक्ट को जो डिले प्रोजेक्ट पड़े हैं जो कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर बनाए स्टार्ट किए गए थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुई, बिकॉज इससे पहले जो प्रेसिडेंट बिकॉज मालदीव इससे पहले गवर्नमेंट अब्दुल्ला प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन की गवर्नमेंट की, वो थोड़ा प्रो चाइना थे। इस वजह से मालदीव में पहले चाइनीज के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, और मालदीव उस टाइम वो चाइना की डेप्ट पॉलिसी या जो डेप्ट ट्रैप में फंसता जा रहा था। जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुआ तब से प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली आए हैं जो केम टू पावर मालदीव में आए, तब से मालदीव्स की गवर्नमेंट ने चाइनाज के लोन लेना चाइनाज के लोन को बंद किया है, वहाँ से लोन लेना बंद किया। इसके बाद से इंडिया ने मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट देना और ज़्यादा इंक्रीज करे, बिकॉज इससे मालदीव्स की जो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ी और कम होगी। अब तक इंडिया जो न्यू इन्वेस्टमेंट हुई अब तक इंडिया टोटल $2 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट दिया उसमें सॉरी मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट कर चुका है $2 बिलियन तक। जब तक इस $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता जब से प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली आए मालदीव्स में अपनी गवर्नमेंट बनाए। इन लास्ट 1.5 ईयर प्रेसिडेंट सोली एंड हिज गवर्नमेंट हैव एक्टेड इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी इन राइट अर्नर्स। जब से उनकी गवर्नमेंट आई है और पिछले एक साल से देखा जा रहा है वो इंडियाज फर्स्ट पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इससे पता चलता है कि वो प्रो चाइना नहीं प्रो इंडिया है, और ये हमारे इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है बिकॉज इससे वो चाइना के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। इसी लाइन को देखते हुए इसी चीज़ को देखते रहिए इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज को फॉलो कर रहा और इंडिया हैज वर्क प्रो एक्टिवली डीपन इट्स टाई मालदीव। इस वजह से इंडिया मालदीव के साथ अपने टाइज को और थोड़ा डीप कर रहा है। इसी वजह से इस एयर बबल मूव से मालदीव्स की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।
बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज मालदीव्स की जो इकोनॉमी है टूरिज्म सेक्टर पर डिपेंड है मोस्टली, और इसमें इंडिया से जाने वाले टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा चंक है। सो और ग्रेट मालदीव प्रोजेक्ट जो चल रहा है, जो मालदीव्स में मालदीव्स का जो ग्रेट मालदीव प्रोजेक्ट जो वो उससे मालदीव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, और इंडिया की जो $500 मिलियन से चाइना की लोन पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, इससे कम हो गई डिपेंडेंसी कम रहने इससे, जिससे इंडिया और जिससे इंडिया और इंडियन ओशन के लिए काफ़ी अच्छा, इंडियन ओशन के लिए काफ़ी अच्छा होगा, और इसी मूव से हम चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरीज को टैकल भी कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।